अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हैंड सैनिटाइज़र बनाना सीखेंगे। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत से हैंड सैनिटाइज़र मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। आज हम घर में कम कीमत पर और आम मिलने वाली अशिया से हैंड सैनिटाइज़र बनाना सीखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलकंदल कलकंदल आप मार्केट से भी ला सकते हैं, और हर दूसरे तीसरे घर के अंदर इसके पौधे लगे मिल जाते हैं। हम घर से ये कलकंदल लिए ताज़ी फ्रेश, इसको हम काट लेते हैं ऊपर से और नीचे से, और इसका गोदा निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको छील कर चम्मच की मदद से इसका गोदा निकाल लेंगे। तैयार हो गया है। इसको किसी ब्लेंडर वगैरह के अंदर डालकर कर लें। हमने ब्लेंडर के अंदर इसको मिक्सर बना लिया है। इसका मिक्सर अब बन गया है। इसके अंदर हम दो तेई ऐसा ये स्पिरिट अल्कोहल मिल जाए, नहीं तो ये आम जो मार्केट के अंदर स्प्रेड मिलता है जख्म वगैरह के लिए, वो यूज़ करेंगे। ये स्प्रेड हमने मार्केट से लाया है, तकरीबन ये 30 रुपये तक का मिलता है। दो तीन ऐसा हम इसका यूज़ करेंगे। देख सकते हैं आप, दो बटे तीन ऐसा हमने इसका डाल लिया है। मिक्स करते हैं। जरासीम से बचाता है एलोवेरा। दूसरा यह इसका के स्प्रेड से हाथों के ऊपर जो खुश्क हो जाएंगे उसकी मुलायमत वगैरह ये कायम रहता है। उसके अलावा इसके अंदर हम विटामिन ई आपको बादाम का ऑयल या ये मार्केट के अंदर इसके कैप्सूल मिल सकते हैं, आप कैप्सूल ले रहे हैं। हम एक कैप्सूल ले लिया, इसके अंदर डाल लेंगे। तकरीबन 30 रुपये का पत्ता मिलता है 10 कैप्सूल का, उसमें से एक ले लिया। इसको हम काट कर इसके अंदर डाल लेंगे, उससे थोड़ा सा छुरी की या कैंची की मदद से काट लें। मिक्स कर दिया। विटामिन ई भी आंतों की खराश वगैरह के लिए आंतों को मुलायम रखता है, ये जो है कैप्सूल डाल लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे।
इसके अलावा इसकी स्पिरिट की स्मेल वगैरह को ख़त्म करने के लिए और खुशबू वगैरह के लिए हम इसके अंदर एक नींबू शामिल कर लेंगे। मार्केट से मुख्तलिफ़ किस्म के खुशबू के तेल भी मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल कर लें, या नींबू वगैरह आम मिल जाता है तो आम घर में मिलने वाली आम चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर ये नींबू एक शामिल करेंगे। बीज वगैरह जो इसके अंदर गिर गए उनको बाहर निकाल लेंगे। उसके अलावा ग्लिसरीन, ये भी मार्केट से 30 रुपए की डब्बी मिल जाती है, ये भी हम थोड़ी सी इसके अंदर 1-2 चम्मच ग्लिसरीन के डाल देंगे। ग्लिसरीन भी हाथों की मुलायमत वगैरह को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर आप डिटॉल वगैरह डालना चाहते हो डिटॉल भी डाल सकते हैं, लेकिन डिटॉल की ज़रूरत नहीं है, डिटॉल के बाहर ही हम बनाएंगे। ये बीज वगैरह इसके अंदर जो निकाल दिया उनको बाहर, ये तो दोस्तों ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको किसी भी स्प्रे वाली बोतल में, छोटी जो घर में परफ्यूम वगैरह की बोतल होती है उनमें डाल लें, या किसी भी आम बोतल के अंदर डालकर इसे महफूज कर लें। हमारे पास ये एक बोतल पड़ी हुई है परफ्यूम की, इसके अंदर हम डाल लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। घर के अंदर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार हाथ धोएं, 20 सेकेंड साबुन से हाथ धोएं, लेकिन घर से बाहर जाना पड़ जाए तो हमारे पास साबुन नहीं हो सकता, तो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, हाथों के ऊपर डाला, दोनों को हाथों के ऊपर इस तरह मल लिया, मल कर उसके ऊपर जो है ना उसके बाद हाथों को इस तरह ये देखा, ये इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे 2-3 घंटों के लिए हाथ महफूज हो जाएंगे, ये तरीका। उसके अलावा वगैरह फैलती थी ताउन वगैरह की या इस तरह की, तो लोग क्या करते थे तो ज़ुबान के अंदर हमारी माएँ दादियों वगैरह इस तरह की जो बुज़ुर्ग खवातीन थी वो हरमल और लोबान की घरों के अंदर धुनी देती थी, जिससे हर किस्म के जरसीम ख़त्म हो जाते थे, मक्खी मच्छर वगैरह नाम के नहीं होते थे। तो इसी तरह हम मैं भी चाहिए कि हम कुदरती चीज़ों के करीब आए, घरों के अंदर लोग हरमल और लोबान की धुनी दें, कमरों के अंदर, दरवाज़ों पर, खिड़कियों वगैरह के अंदर, ताकि ये जरसीम वगैरह ख़त्म हो जाए, मक्खी मच्छर वगैरह ना रहें घरों में के अंदर।
तो उसके लिए ज़रूरी कि हमें इन चीज़ों की दूनी रहनी चाहिए, हरमल और लोबान वगैरह की। इसी तरह नाक के अंदर रात को सोते वक्त और सुबह जब उठें तो 2-3 ड्राप जैतून के आयल के डालकर ऊपर की तरफ खींचें। इस तरह क्या होगा, जो जर्सीम वगैरह नाक के अंदर नहीं जाएंगे, न जाएंगे भी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इसी तरह पानी के अंदर नमक डालकर गरारे करें नीम गर्म पानी से, काव बनाकर पिए, मलठी का अदरक और जीरा का काव बनाकर पिए। उसके अंदर से ये क्या होगा कि फेफड़ों वगैरह के अंदर किसी किस्म का जो होगा रेशा वगैरह बलगम वगैरह बनेगा वो ख़त्म कर देगा और इसी तरह फेफड़ों वगैरह को ताकत देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दें, नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो को आपको आसानी से मिल सके। इसी के साथ जा जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।